एवरीवन गाइस, आप सब लोगों का जय श्री वंडरलैंड में स्वागत है। तो आज का व्लॉग हम इधर से स्टार्ट करते हैं और आज है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन हमने रस वाला आया था, गन्ने का जूस आया था, तो वो लेकर हमने लगाया हुआ है और इधर हमने शिव जी को इधर रखा है और इधर फ्लावर्स हमने डेकोरेशन किया है। वो शॉर्ट्स में आ चुका है, ये वीडियो से पहले ये शॉर्ट्स जा चुका होगा। और देखो ये जो हमने फ्लावर की रंगोली की है, मैंने और मम्मी ने, ये मम्मी ने बनाया है और ये मैंने बनाया है। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इधर मम्मी मूंगफली जो है वो फोड़ रहे, क्योंकि फराल होता है तो मूंगफली तो नहीं चाहिए, तो मम्मी इधर फोड़। और कल की तरह ये हमने बताया ना कि हमारे कुकर बिगड़ चुका है, तो इसलिए इसमें रखा हुआ है आलू, इसमें रखा है आलू और इधर है इसमें शकरकंद रखा हुआ है। और आज से स्टार्ट होता है, हो जाते हैं शकरकंद। वैसे तो कब का हो गया, बट महाशिवरात्रि के दिन शकरकंद खाकर फिर स्टार्ट होता है। तो इसमें हो रहा है शकरकंद, मिर्च, मूंगफली, इसमें क्या है, वेफर, इसमें कुछ होगा, इसमें है ना साबुदाना, हरी मिर्च, ये है महाशिवरात्रि। तो इधर जो ये श्रीखंड आ चुका है और इस श्रीखंड को दिखाने के लिए मेरे को तो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया और एक्स्ट्रा है श्रीखंड, आप सब भी आ जाओ श्रीखंड खाने के लिए। शाम के बजे थे 5 और 5 बजे हमने चाय पी। चाय तो पीनी पड़ती है, तो चाय है ना वो कप में पी थी क्योंकि तब उसमें पीने का मन हुआ इसलिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं नाथ में। तो ये जो है वो अमरनाथ, तो अमरनाथ में मतलब वो शिवलिंग हमने बनाई थी अमरनाथ में, तो वो महाशिवरात्रि का फंक्शन था। तो अभी देखो शिव जी को हम लेकर जा रहे हैं पार्वती जी से लग्न करवाने के लिए। तो ऐसा जो है वो शिव क्या बोलते हैं उसमें बोला था, मैं भूल चुकी हूँ उसको क्या बोला था। तो वो हम जान लेकर जाते ना, तो वैसे हम जा रहे हैं शिव जी को लेकर। ऐसे सब में है ना उत्साह था, ऐसे मतलब अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया था। और हमने आगे आपको देखने क्या क्या हमने मस्ती की और थोड़ा सा ही सूट करता है, बट बहुत सारी मस्ती की और बहुत सारे लोग थे। और ये जो है वो हमारे नाथ में, हमारे नाथ में फंक्शन था, तो महाशिवरात्रि और साथ ही साथ वुमेंस डे का भी फंक्शन था। तो सब ने डांस किया था, फिर अलग अलग नृत्य अपनी कलाएं दिखाए थे उसमें, तो आप देख सकते हो। और महाआरती भी थी रात को 12 बजे। तो रात के 12 बजे तक हमने क्या किया वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में है। तो देखो सब लोग नाच रहे और तब इतना मज़ा आ रहा था हमको। तो फिर हमको पार्वती जी को लेकर हम आ चुके थे। और गुजराती हो तो ऐसे गरबा तो खेलना पड़ता है, तो वैसे गरबा नहीं किया, पर ऐसे दो ताली तो हमने की, मतलब गरबा तो हमको करना ही पड़ता है क्योंकि गुजराती हो और कुछ भी होता है फिर हमको तो गरबा तो करना ही पड़ता है, वरना गरबा के बिना इतने सभी फंक्शन हो तो भी हमको गरबा करना पड़ता है, वरना हमारा प्रोग्राम अधूरा रहता है, ऐसा करता है। तब एंजॉय कीजिए। फिर हो चुका था डिनर टाइम और डिनर में था फलाहार। और इसके बाद जो है हम फलाहार खाने के बाद जो है हमको एनर्जी आ चुकी थी, तो हम फिर से डांस करने लगे थे। वैसे तो हमने खूब सारा डांस किया था, मतलब 6 रिवर्स सारे स्टेप कर लिए थे और बचा कुचा सब कुछ हमने कर लिया था। तो ये फिर हमने टिमली रास जो होते हैं वो हमने टिमली रास शुरू किया। तो हम पहले हम सिर्फ बच्चे कर रहे थे, फिर बड़े भी आ चुके थे और ये जो वीडियो शूट हमने किया और मैं ना सेकंड टाइम में। और हम ऐसे उत्साह भरे मतलब थके ही नहीं थे हम, इतना हमने डांस किया था। और
और फिर नाच कर हम थक चुके थे, तो सोचा कि क्यों ना म्यूजिकल चेयर खेला जाए। तो म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे हम, और उसमें इतना सॉन्ग बज रहा था कि हमको डांस करने का मन हो जाए ना, वैसा तो सॉन्ग बजाया था। और वो डांस करने में रहे तो हमारी खुशी चली जाती है। तो हम सब लोगों ने म्यूजिकल चेयर, और मैं पहले मम्मी हार गए थे फिर मैं हारी थी, तो ऐसे हम सब एक साथ म्यूजिकल चेयर कर रहे थे। और 12 बजे तक हमने ये टाइम पास किया, तो इतना मज़ा आ रहा था इसमें म्यूजिकल चेयर में। तो सारे लोग खेल रहे थे, बच्चे बड़े सब खेल रहे थे इसमें। फाइनली 12 बज गए थे, और 12 बजे महाआरती हुई थी। तो ये जो है वो डेकोरेशन किया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये दिया वगैरह सब कुछ, कांच के जो कप होते हैं उसमें रखा था। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बाजू में बेल आइकन पर सेट ही नहीं है उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपका कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। कल एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।